ये रेसिपी है आपके लिए। इसके लिए स्पंज रेडी करेंगे जिसके लिए यहाँ पर अंडे शामिल करेंगे, कैस्टर शुगर डालेंगे, वनीला एसेंस डाल के इसको बहुत अच्छे से हम पेल होने तक बीट करेंगे। एक और बोल में मैदा और बेकिंग पाउडर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर हम इसको अंडे वाले मिक्सचर के अंदर ग्रेजुअली डालेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करते जाएंगे। फिर इसको केक मोल्ड में डाल के 160 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अब स्ट्रॉबेरी सॉस बनाने के लिए पानी लेंगे, पैन में इसमें कैस्टर शुगर डालेंगे और स्ट्रॉबेरी के चंक्स डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। इसके बाद अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, फिर इसको थिक होने तक हम पका लेंगे। अब यहाँ पर हमने नेस्ले मिल्क पैक डेरी व्हिपिंग क्रीम लिया है जिसको हम अच्छे से फ्लफी होने तक बीट कर लेंगे। अब असेंबलिंग के लिए तैयार केक लेंगे, इसकी टॉप को रिमूव कर देंगे और इसको 3 डिस्क के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम शुगर सिरप, इसके ऊपर डालेंगे व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी सॉस डालेंगे और इसी तरह हम 3 लेयर्स को तैयार कर लेंगे। डिलीशियस स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक तैयार है।